गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर फिफ्थ चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक दैट इज़ पोवर्टी पोवर्टी क्या होता है हमने सुना अब तक पोवर्टी का हमने ये सुना कि गरीबी है ना तो पोवर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हम वो देखेंगे पोवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ क्लास पीपल अपने बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक नीड्स क्या होती है बेसिक नीड हमारी फूड क्लोथिंग शेल्टर जो ये तीन फुलफ़िल नहीं करता उसमें क्या बोलते हैं वो किस में आते हैं हमारे पोवर्टी में आते हैं ठीक है मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इंडिया हम डेवलपिंग स्टेज पर कैपिटल इनकम अगर हमारा लो है अगर हमारा पर कैपिटल इनकम लो है इसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ पर हमारा इनकम इनिकवल डिस्ट्रीब्यूट है इनकम भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है और हमारा जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें ज़्यादातर लोग पुअर है तो उससे क्या होता है कि वो पीपल ऑफ़ लो जो भी लोग हैं वो एक अच्छी लाइफ एक हेल्दी लाइफ उनको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता उनको प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिलता तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या इरेडिकेट होती है और उस सेकेंड साइड हम जब देखते हैं जो रिच पीपल है रिच पीपल अपनी अच्छी लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं उनकी हाई इनकम है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग ही बहुत हाई है ये क्यों प्रॉब्लम हमें क्रिएट हुआ क्योंकि हमारे देश में यहाँ पे जो इनकम है वो इनक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ठीक है तो एच डी आर की रिपोर्ट नाइनटीन नाइन्टी सेवन में उन्होंने क्या बोला हमें इकोनॉमिक डेवलप करना है इकोनॉमिक डेवलप हमारा एक रिसोर्स है बट उसका मेन हमारा गो मकसद क्या होगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट करना है ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलप होता है अच्छे से पूरा तो हमारा पॉवर्टी कम हो जाएगा इनकोलिटी जो इनकम है वो भी कम हो जाएगा ये हमारे कुछ गोल थे स्पेशली हमने यहाँ पे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान रेडी किए थे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है मेन क्या था पॉवर्टी कम करना है तो सब उन्होंने प्लान सेट किया अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए अलग अलग स्कीम बनाए, लेकिन फिर भी जो टारगेट था हमारा कि हमें इतना परसेंट कम करना है पॉवर्टी उस हद तक हम नहीं पहुंच सके मतलब उतना हम कम नहीं कर सके ठीक है ये कुछ इंट्रोडक्शन था पॉवर्टी का अभी हमें देखना है मीनिंग क्या है पॉवर्टी का अ सिचुएशन वेर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाइड देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आर सेट टू बी पुअर क्या बोला गया एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेजर ज़्यादातर लोग जो अपने बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं कर सकते उस समय क्या बोलते हैं पुअर इफ़ अ लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देर एग्जिस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन जो रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो बिलो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना उनको स्टैंडर्ड चाहिए था जो उनका न्यूट्रिशन चाहिए जो उनको हाउसिंग प्रॉपर चाहिए वो नहीं मिल रहा उसके बिलो रह रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे वहाँ पे क्या है पोवर्टी ज़्यादा है ठीक है अब पोवर्टी का तो मीनिंग बहुत है मीनिंग और हद तक, तक यहाँ पे क्या पोवर्टी का मीनिंग बहुत चेंज भी होता गया अभी हमारे पास ये जो पोवर्टी है इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में एक है ट्रेडिशनल मीनिंग जिसको हम बोलते हैं इनकम पोवर्टी सेकेंड है हमारा मॉडर्न मीनिंग जिसको हम बोलेंगे नॉन इनकम पोवर्टी ओके ट्रेडिशनल मीनिंग मतलब पहले का जो मीनिंग उसका मीनिंग क्या था पोवर्टी के लिए वो डिस्कस करेंगे हम ट्रेडिशनल मीनिंग पोवर्टी का क्या था पहले यही कि जिसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है कौन सी फूड क्लोथिंग शेल्टर जिसके पास जो अपनी फुलफिल नहीं कर सक रहा अपना क्या बेसिक रिक्वायरमेंट उसे हम बोलेंगे वो वो पॉवर्टी लाइन में आता है ठीक है उसको हम बोलते हैं इनकम पॉवर्टी इसके पास पैसे नहीं हैं वो अपने बेसिक नीड तो फुलफ़िल नहीं कर सक रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्रेडिशनल मीनिंग तो ये मीनिंग हमारा पॉवर्टी का पुराना था अभी नया मीनिंग पॉवर्टी का चेंजेस आया उसमें कि खाली ये बेसिक थिंग ही हमें नीड नहीं चाहिए पोवर्ट हट आता है इसके अलावा भी और भी कोई फैक्टर है जो इंक्लूड है हमारे पोवर्टी में हमने पोवर्टी में क्या देखा अब तक जिसके पास ये तीन बेसिक चीज़ नहीं है मतलब वहाँ वो पोवर्टी में आता है बट फूड क्लोथिंग शेल्टर के अलावा भी हमें एजुकेशन हेल्थ क्लीननेस प्यो प्योर ड्रिंकिंग वाटर ऐसे और भी फैक्टर्स है जो पोवर्टी में इंक्लूड होते हैं जो कि हमारा ट्रेडिशनल मीनिंग नहीं इंक्लूड किया इस के लिए मॉडर्न मीनिंग ज़्यादा डेवलप हुआ जिसके अंदर हम बेसिक के साथ साथ वो तो हमें चाहिए बेसिक नीड के साथ साथ हम कौन से फैक्टर सॉल्व लेते हैं एजुकेशन हो गया हेल्थ हो गया क्लीननेस हो गया प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो गया मतलब पैसे के अलावा भी यहाँ पे और भी कुछ चीज में कमी होना अलग फैक्टर भी इंक्लूड करता है हमारे मॉडर्न मीनिंग में क्लियर है आपको ट्रेडिशनल मीनिंग क्या होता है मॉडर्न मीनिंग क्या है ओके न नेक्स्ट टॉपिक नेचर्स ऑफ पोवर्टी तो फर्स्ट टॉपिक हमारा उसमें है अप्सोल्यूट पोवर्टी अप्सोल्यूट वर्ड क्या होता है अप्सोल्यूट मतलब पूरा मतलब बहुत पूरा गरीब मतलब इसका मतलब क्या है निकला कि जिसके पास बेसिक थिंग भी नहीं फुलफिल करने के लिए जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर सकता उसे हम बोलेंगे अप्सोल्यूट पॉवर्टी अब इसका हम देख लेंगे एक्चुअली में दिया क्या है बुक में द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर टू सैटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड एंड सर्विस पॉवर्टी क्या बोला गया एक मेन एक मिनिमम खर्चा एक्सपेंडिचर हाँ, और इनकम रिक्वायर्ड होता है हमें हमारे बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसे हम बोलते हैं पोवर्ट लाइन मतलब जो अपना खाली अपना ये जो तीन चीज़ें फुलफिल कर रहा है उसे हम बोले कि वो बंदा हमारा किस में है पोवर्ट लाइन में बट द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्ट लाइन जो अपना ये तीन चीज़ भी फुलफिल नहीं कर सका उससे हम क्या बोले जो बिलो पॉवर्ट लाइन उन्होंने सेट किया है जो उससे भी बिलो कम में आया उससे हम क्या बोलेंगे अप्सोल्यूटली पुअर मतलब अप्सोल्यूट पोवर्टी इज ऑल्सो नोन एज कम्प्लीट पोवर्टी अपसोल्यूट पोवर्टी को हम कम्प्लीट पोवर्टी भी बोलते हैं क्लियर है आपको अप्सोलूट पोवर्टी क्या होता है आपको भाई डिफाइन करना होगा पोवर्ट लाइन क्या होता है एक वो लाइन एक सेट किया गया है जहाँ पर आपको अपना एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो अब जो बंदे ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सके जो उससे भी नीचे आए उसे हम क्या बोलेंगे वो है हमारे अप्सोल्यूट पुअर क्लियर है आपको अब पोर्ट लाइन आप डीप में भी कर लेंगे पोवर्ट लाइन अब यहाँ पर कैलरीज फ़िक्स विक्स करते हम कि हमें पर डे कितनी कैलोरीज चाहिए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है किसने यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यहाँ पे रूरल को और अर्बन को दोनों को अलग किया है जो पीपल रूरल में रहते होंगे उनको पर डे कैलरीज कितनी चाहिए होती है ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज और जो पर्सन अर्बन एरियाज़ में रहता है उनको पर डे कितना ट्वेंटी वन हंड्रेड कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है ओके okay, तो ये मेथड जो है कैलकुलेट करने का ये किसने एक्सेप्ट किया था प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में 1969 और हमने यहाँ पे क्या सेट किया बीस रुपये पर महीने यानी एक महीने का बीस रुपया अगर आप वो अर्न कर लेता है मतलब कि वो पॉवर्टी में नहीं आएगा अगर अर्न कर सका उससे ऊपर गया ठीक है उसको एक मेजरिंग रॉड एक सेट किया कि ये एक लिमिट सेट किया था ठीक है अब ये जो मेथड है उसमें डंडे को एंड रात फॉर रूरल एरियाज इसमें भी डिवाइड कर दिया गया पोव लाइन में भी ईयर वाइज और एरिया वाइज कौन सा नाइनटीन सिक्सटी सिक्सटी वन में प्राइस सेट किया था फिफ्टीन पर कैपिटा पर मंथ कौन सा पवर्ट लाइन एंड फॉर अर्बन एरिया के लिए कितना सेट किया था 22.5 पर कैपिटा पर मंथ उसके बाद हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में अपॉइंट किया गया और एक्सपर्ट कमिटीज़ को हमारे प्रोफेसर डीटी लकड़ा लकड़ावाला जिन्होंने एस्टिमेट किया 1993 में और उन्होंने क्या यहाँ पे प्राइस रखा था ऐसा बेस ईयर उन्होंने रखा 49 पर कैपिटा पर मंथ किसके लिए रूरल एरिया के लिए और अर्बन के लिए 57 पर कैपिटा पर मंथ कंजन एक्सपेंडिचर एस्टीमेट किया गया था फॉर अ पोवर्टी लाइन तो डेटा याद रखना आप पहले कौन से ईयर में यहाँ पे सिक्सटी वन में यहाँ पे ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी किसका था अर्बन का था और फिफ्टीन रुपीज था किसका रूरल एरिया का दिया हुआ था ठीक है और उसके बाद जब हमने दूसरी कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की तो उसमें नाइनटीन नाइन्टी थ्री में हमने क्या लिया फोर्टी नाइन पर कैपिटा पर मंथ किसके लिए रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए फिफ्टी सेवन पर कैपिटा पर मंथ कंजम्शन एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया गया ओके तो ये टॉपिक जो हमने यहाँ पे एस्टीमेट किया कि कितना कैलरीज चाहिए कितना उनका पर कैपिटा होना चाहिए पर मंथ ये खाली हमें ये दिखाता नहीं कि वो गरीबी कम कर रहा है वो मेजरिंग रॉड प्रॉपर नहीं था तो ये हमें खाली यही दिखा रहा है कि वो किसी की हंगर कितना मतलब अगर उतना मिला मतलब कि वो पुअर में नहीं आएगा ये नहीं हुआ वो खाली उनका हंगर दूर करेगा अगर उनका यहाँ पे कैलरीज उनको मिला मतलब उनको फूड फैसिलिटी मिल गई फूड के अलावा और भी तो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए उसको तो ही तो वो कहलाएगा पॉवर्टी में नहीं है वो बंदा ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे रिडिफाइन किया गया मेजरिंग रॉड में और जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया फूड के साथ साथ हेल्थ इलेक्ट्रिसिटी किचन फूल को क्लोथिंग और बहुत ही चीज़ें ठीक है जो न्यू कमेटी फॉर्म हुई थी कौन से अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश टेंडुलकर उन्होंने सबमिट किया था रिपोर्ट और उन्होंने जो मेजरिंग रॉड एक न्यू मेथड में लाया उन्होंने क्या किया सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं उसके अलावा यहाँ पे क्या एडुकेशन हेल्थ वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की एज अ मेजरिंग रॉड फॉर वॉट फॉर पॉवर्टी लाइन क्लियर है आपको ओके okay. नाउ उनका जो यहाँ पे उन्होंने मेथड अप्लाई किया था वो 11, ट्वेल्व में उनको कम से कम पर कैपिटल मंथली कंजम्शन एक्सपेंडिचर एरिया कौन से एरिया रूरल एरिया के लिए कितना सेट किया उन्होंने रुपीज़ एट वन सिक्स और अर्बन एरिया के लिए कितना वन थाउजेंड डिसाइड किया था एज अ पोवर्टी लाइन क्लियर है आपको तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट भी किया गया था अपसोलिट पॉवर्टी इंडिया में क्या है तो आपको टेबल दिया हुआ है रूरल एरिया में पॉवर्टी यहाँ पे कितना परसेंट था ईयर फोर फाइव में था कितना फोर्टी वन पॉइंट एट था और इलेवन ट्वेल्व में कितना हो गया इसके अकॉर्डिंगली ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट हो गया मतलब रिड्यूस हुआ है पॉवर्टी यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में था कितना पॉवर्टी थाउजेंड फोर फाइव में ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट था जो अब रिड्यूस हो गया कि कितना हो गया थर्टीन पॉइंट सेवन परसेंट ओवरऑल नेशन में कितनी पे पॉवर्टी थी पहले थर्टी सेवन पॉइंट टू जो अब कितनी हो गई है ट्वेंटी रिकॉर्ड है टू थाउजेंड इलेवन एंड ट्वेल्व का ओके नाउ स्टेट वाइज यहाँ पे स्टेट वाइज आपको यहाँ पे बिलो टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट क्या मैग्नीट्यूड है पॉवर्टी का वो बताया गया है देखो बिलो टेन परसेंट यहाँ पे पॉवर्टी लाइन में जो बिलो दस परसेंट से भी कम पोवर्ट लाइन में आते तो वो कौन से कौन से स्टेट हैं गोवा केरला हिमाचल प्रदेश सिक्किम पंजाब आंध्र प्रदेश टेन ट्वेंटी परसेंट पोवर्ट लाइन में यहाँ पे लोग जो आते हैं वो है जम्मू कश्मीर हरियाणा तमिलनाडु गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र त्रिपुरा नागालैंड मेघालय ट्वेंटी थर्टी परसेंट वेस्ट बंगाल मिजोरम, कर्नाटका उत्तर प्रदेश थर्टी टू फोर्टी मतलब मैक्सिमम पॉवर्टी लाइन कहाँ पे किसमें है यहाँ मध्य प्रदेश आसाम ओडिशा, बिहार अरुणाचल प्रदेश मणिपुर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ये सर्वे रिपोर्ट है कौन से ईयर की थाउजेंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन की क्लियर है अब तक हमने ये सब पढ़ा वो है हमारा अप्सोल्यूट पोवर्टी के बारे में था और हमने पोवर्टी लाइन कैसे मैनेज किया हमने पहले कितना सेट किया था पोवर्टी लाइन फिर जो न्यू हमने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया तो उससे हमने कितना लाइन सेट किया पोवर्टी का उसके बाद हमारा डेटा टेबल क्या रेडी हुआ और हमने क्या सीखा कि कौन से स्टेट में कितने कितने परसेंट लो पोवर्टी लाइन में लोग यहाँ पे हैं ये वाला आप टेबल देखना है यहाँ से भी वनमा क्वेश्चंस बहुत आते हैं नाउ नेक्स्ट रिलेटिव पोवर्टी अब तक हमने पढ़ा अप्सोल्यूट पोवर्टी अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है रिलेटिव पोवर्टी सो रिलेटिव पॉवर्टी होता क्या है हमने अपसोलिट में क्या डिस्कस किया जो अपना कंजम्पन लेवल फुलफिल नहीं कर सका वो हमारा ऑप्सोलिट पॉवर्टी में आएगा तो हमने उसका मेजरिंग डॉट भी देख लिया बट रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या होगा जो हमारे नेशन में जो यहाँ पे इनकम है वो हमारा इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट इनकम है ना हमारा इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पर नहीं वो इनक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो एक के लिए फॉर एग्जांपल कोई एक एक है पर सपोज ए पर्सन है ए की इनकम टेन थाउजेंड है बी की इनकम ट्वेंटी थाउजेंड है थ्री की इनकम सी की इनकम थर्टी थाउजेंड है तो ए के लिए क्या होगा बी और सी उसके लिए रिच हो गए वो क्या बोलेगी उनकी हाई इनकम है तो उसके लिए वो रिच हो गए बी के लिए क्या हो जाएगा ए पुअर है और सी रिच है और सी के लिए क्या हुआ ए भी दोनों पुअर में आते हैं क्लियर है तो यहाँ पे रिलेटिवली यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे क्या कंपेयर हुआ है अलग अलग ग्रुप ऑफ इनकम के लोगों के बीच में क्लियर है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली पोवर्टी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर ग्रुप फाइव अभी ग्रुप वन की इनकम कितनी यहाँ पे थर्टी थाउजेंड जीरो से ग्रुप टू की है थर्टी टू वन लैख थ्री के लिए वन टू थ्री फोर के लिए थ्री टू टेन एंड फाइव के लिए टेन एंड अबो अभी इसमें क्या बोला गया है देखो जो ग्रुप वन है उसको हम कंसिलेट किया है कि वो पुअर वो पुअर में आता है ठीक है लेकिन जो ग्रुप टू है उसकी इनकम कम है उसकी इनकम भी तो कम है बट जब वो कंपेयर करता है वन से तो ग्रुप टू के लिए क्या होगा इनकी हाई इनकम है और वही सोच थ्री फोर फाइव क्या बोलेंगे कि टू उनके लिए क्या हो गया पुअर हो गया ना सेम फॉर थ्री ग्रुप थ्री ग्रुप की इनकम किसके बीच में आ रही है वन टू थ्री की आएगी तो ये इसके लिए कौन हायर हो गया किसकी इनकम हाई है फोर और फाइव के लिए और फोर और फाइव क्या सोचेगी ये वन टू थ्री किस में आते हैं हमारे पुअर में समझ में आ रहा है यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है दो इनकम ग्रुप के लिए यहाँ पे अलग अलग इनकम ग्रुप है सो so, कम्पेलेटिवली कौन यहाँ पे हाई है और लो है कौन पुअर है कौन रिच है यहाँ पे कंपेरिजन अब ग्रुप फाइव के लिए क्या है उनकी जो इनकम है टेन लैक है ना वो उसके लिए क्या बाकी सब किस में आते पुअर में आते तो ये है हमारा रिलेटिवली पोवर्टी तो इसको मेजर करना फाइंड करने के लिए भी दो अलग ग्रुप है तो इसको फॉर्म करने के लिए यहाँ पे दो मेथड भी है जो लॉर्नेस कर्व और गिने कोफिशेंट यहाँ पर अप्लाई करेगी तो हमें उससे मालूम पड़ जाएगा कितना यहाँ पर डिफरेंस है और किसके लिए कौन रिलेटिवली पुअर है कौन हाई है क्लियर है तो ये हमारा रिलेटिवली पुअर अब हम हाँ अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी ओके सो जो भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं हमारे पोवर्टी में वो हमारे बन जाएंगे इंडिकेटर्स अब इंडिकेटर्स हमें ये देखना है कि हमारा लेवल ऑफ़ पॉवर्टी क्या है ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट है वो है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पन एक्सपेंडिचर तो इसे मेजर कैसे करते पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता क्या है ये जो स्पेंड करती है फैमिली अपने गुड्स और सर्विसेज के ऊपर उसको हम कैसे मेजर करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं उनका मार्केट प्राइस उनका मार्केट का प्राइस क्या है सपोज कार है वॉशिंग मशीन है जो भी उसका मार्केट प्राइस कितना है तो मतलब पूरे नेशन फॉर एक्जाम्पल कि सबने मिला के यहाँ पे थ्री करोड़ चल रहा है यहाँ पे लोग एक्सपेंस कर रहे हैं कंजम्पशन के ऊपर न डिवाइड करेंगे उसे पॉपुलेशन से तो हमें यहाँ पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना हो रहा है

ठीक है तो यूएस एस में यहाँ एक फिक्स यहाँ पे एज अ डॉलर पे कन्वर्ट किया हुआ है एज पर ईयर 2014 यूएस में यहाँ पे कितना था पर कैपिटा कंजम्पन एक्सपेंडिचर 31,469 इन डॉलर्स का यूके में कितना है 25,828 डॉलर्स, जापान टू ट्वेंटी टू थाउजेंड वन फोर्टी नाइन डॉलर पाकिस्तान सिक्स जीरो थ्री डॉलर इंडिया सॉरी चाइना वन थाउजेंड फोर ट्वेंटी डॉलर एंड इंडिया सेवन ट्वेंटी फाइव डॉलर तो यहाँ पे जब कंपेयर करते हो तो हम हमारा कितना है सेवन ट्वेंटी फाइव डॉलर जो कि बहुत कम है हमारे यू एस और चाइना जापान से ठीक है तो यहाँ पे हम कम्पेयर रिलेटिवली किया कि हमारा यहाँ पे जो है पर कैपिटा कंजम्पशन वो लो है किससे यूएस यूके जापान उनका कितना हाई है और हमारा सिर्फ सेवन ट्वेंटी फाइव डॉलर ही है ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है कौन सा इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी का अब हम सेकेंड चेक करेंगे सेकेंड हमारा क्या है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन क्या होता है जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता अभी देखो सब लोग को सपोज लो यहाँ पे जो भी वो अपना जो भी फूड कंज्यूम कर रहे वो उसमें कैलोरीज कम है प्रोटीन कम है विटामिन कम है मिनरल्स नहीं है प्रॉपर उसके अंदर ठीक है बहुत से यहाँ पे फैक्टर्स है जिससे उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा क्यों क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं पैसे कम है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड परचेस नहीं कर सके तो ये बहुत से रीज़न है यहाँ पर लेवल माल न्यूट्रिशन के तो लेवल ऑफ़ माल न्यूट्रिशन डिपेंड किस में हमारा यहाँ पे वो इनकम के ऊपर है ठीक है क्योंकि यहाँ पर अनइकवल डिस्ट्रीब्यूट इनकम हुआ है इनकम नहीं है तो प्रॉपर फूडिंग नहीं है प्रॉपर फूड नहीं है तो प्रॉपर यहाँ पे क्या ना कैलोरी से प्रोटीन विटामिन उनको उतनी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है अपने को माल न्यूट्रिशन पीपल ईयर वाइज नाइनटीन नाइन्टी टू में यहाँ पे कितना था परसेंटेज माल न्यूट्रिशन टोटल ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन थाउजेंड टू में कितना हो गया सेवनटीन पॉइंट फाइव पहले से यहाँ पे कम हुआ थाउजेंड फाइव सिक्स में कितना हो गया बढ़ गया कितना हो गया माल न्यूट्रिशन ट्वेंटी पॉइंट फाइव टेंथ ट्वेल्व में कितना हो गया वो हो गया फिफ्टीन पॉइंट सिक्स एंड फोर्टीन सिक्सटीन में हमें फ़िलहाल भी यहाँ पे कम है कितना है वो फिफ्टीन पॉइंट टू तो यह हमारा यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो टोटल परसेंटेज कितना हमारे फ़िलहाल नेशन में है उसका ये सर्वे रिपोर्ट है फिफ्टीन सिक्सटीन का क्लियर है आपको ना थर्ड इंडिकेटर हमारा है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोटलिटी रेट तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि एक बंदा कितने ईयर तक यहाँ पे जी रहा है ठीक है और इन्फेंट मोटलिटी रेट क्या होता है हमारा जहाँ पे जो मतलब इन्फेंट्स को बोलते हम इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते जो वन टू इयर्स के वन बिलो होते उसे हम बोलते हैं इन्फेंट तो उनके यहाँ पे जो तो एक इन्फेंट कितना यहाँ पे फुल फ्रूटफुली जी रहा है उसको यहाँ पे एवं एवरे, उसका हम एवरेज निकालते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये देखते हैं कि हाउ लॉन्ग एक जो बेबी या बॉर्न हुआ है वो कितने एज तक यहाँ पे फ्रूटफुली रह सकता है उसकी लाइफ कितनी हो कितने ईयर तक की होगी और वो किस पर डिपेंड है अगर एक बच्चे को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर फूड वगैरह क्लीननेस दे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर उनको देंगे हेल्थ उनकी अच्छी रखेंगे तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ की बढ़ जाएगी अगर उसके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं है प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है या कोई फैक्टर्स नहीं है तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी है ना तो ये बहुत ये बहुत ही इस पर इफ़ेक्ट करता है हमारे इन्फेंट पे कि हम बच्चों को कितने न्यूट्रिशन फूड्स कैसे हम उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो हम इन्फेंट मोटेलिटी हम कैसे इसको मेजर करते है? हम ये देखते कि एक साल के अंदर कितने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वन थाउजेंड चिल्ड्रेन उसमें कितनों की यहाँ पे डेथ हो रही है ठीक है जितनी डेथ कम हमें दिखी जो ईयर में इसका मतलब क्या होगा कि हमारे नेशन का जो यहाँ पे न्यूट्रीशन्स है वो इम्प्रूव हो रहा है है ना अगर हमारे वो जो हमने जो कैलकुलेट किया वो अगर हाई हुआ अगर हमें मतलब कि डेथ ज़्यादा हो रही है इन्फेंट की इसका मतलब वो क्या शो करता है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो इन्फेंट मोटेलिटी रेट डिपेंड किसके ऊपर है वो हेल्थ के ऊपर है मदर्स की एजुकेशन के ऊपर है उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया है टाइम टू टाइम उसके ऊपर है उनको फूड्स प्रोवाइड किया गया है प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड ये सब क्या डिफाइन करता है हमें कि वो बच्चा कितना है फ्रूटफुली रह सकेगा ठीक है तो अभी यहाँ पे टेबल दिया हुआ है आपको कंट्रीज़ वाइज उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और उनके इन्फेंट मोटलिटी रेट कितनी है ये थाउजेंड फोर्टीन का एटर देकर रखा है आपको तो नॉर्वे नॉर्वे में लाइफ वहाँ पर कब तक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कितनी होती है लाइफ की एटी वन पॉइंट सिक्स ईयर तक ही यहाँ पे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और उनके नेशन में इन्फेंट मोटलिट रेट कितना है यहाँ पे टू यू में कितना है एक्सपेक्ट यहाँ पे लाइफ सेवेंटी नाइन पॉइंट वन और उनका इन्फेंट रेट कितना है यहाँ पे सिक्स श्रीलंका में एक्सपेक्टेंसी कितनी ईयर है सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन मतलब कि सेवेंटी फाइव हुआ और इन्फेंट रेट कितना है यहाँ पे इनका नाइन चाइना में सेवेंटी फाइव पॉइंट एट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और इन्फेंट मोटी यहाँ पे कितनी है वो टेन है इंडिया में एक्सपेक्टेंसी लाइफ कितनी है देखो कितनी है सिक्सटी एट ओनली और इन्फेंट रेट सबसे हाई कितना है वो थर्टी नाइन ये जो कैलकुलेशन आपका है वो थाउजेंड बच्चे पे कितने की डेथ हो रही है वो है यहाँ पे थाउजेंड नॉर्वे में दो बच्चों की डेथ है यूएसए में छः श्रीलंका में नाइन चाइना में टेन इंडिया में थर्टी नाइन बहुत ज़्यादा डेथ है बच्चों की इसका मतलब क्या शो करता है हमारा आज हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं हैं हम न्यूट्रिशन फूड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे बच्चों को तो हमारी जो डेथ रेट है इन्फेंट मोडिलिटी वो हमारी हाई है ठीक है ओके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेडिकल फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज क्या है देख लो नेशन का इन हेल्थ सेक्टर डॉक्टर नर्स कंपाउंडर एक्सेट्रा आर इंक्लूड एंड देयर स्केर एडवर्सली अफेक्ट हेल्थ सर्विसेज इंडिया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लैक मेडिकल सर्विसेज एंड डॉक्टर हेल्थ सेक्टर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हेल्थ हम कब अपना हेल्थ यहाँ पे रह सकेंगे अगर हम प्रॉपर हमारी हेल्थ है अगर हमें देख रेख के लिए हमारे पास डॉक्टर नर्स कंपाउंडर अच्छे अवेलेबल है तो हमारा मतलब हेल्थ यहाँ पे सही रहेगा पर हमारे डेवलपिंग हमारी इकनॉमी कौन सी है डेवलपिंग है तो हमारे पास जो मेडिकल सर्विसेज जो डॉक्टर्स वगैरह चाहिए वो बहुत कम है यहाँ पे बहुत अलग अलग डिजीज़ हो गए लोगों को क्योंकि उनके पास न्यूट्रिश फूड नहीं होते तो उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है तो उससे क्या होता है उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है इम्यूनिटी उनकी बहुत लो होती है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे सिक्स थाउजेंड पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर है वेर एस अमंग डेवलप इकोनॉमी जो डेवलप नेशन फॉर एग्ज़ाम्पल जापान हो गया यू एस ए वगैरह यूके वगैरह वहाँ पर थ्री फिफ्टी पीपल के पीछे एक डॉक्टर अवेलेबल है डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर इंडिया में हमें छः हज़ार के पीछे एक डॉक्टर मिल रहा है और यहाँ पे थ्री फिफ्टी के पीछे डॉक्टर है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हेल्थ सर्विस कितनी यहाँ पे प्रॉपर होगी इनकी जो डेवलप नेशन है तो इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर 1.7 पॉइंट सेवन करोड पीपल डाई फ्राम डायरिया मलेरिया एंड टी बी इन होल वर्ल्ड टू पॉइंट थ्री करोड पीपल आर सफरिंग फ्राम एड्स आउट ऑफ दिस नाइन्टी परसेंट बिलोंग टू डेवलपिंग कंट्रीज जो सर्वे किया गया उसमें क्या बताया गया कि हर साल जो डेवलपिंग कंट्रीज में से कितने लोग की डेथ हो रही है वन पॉइंट सेवन करोस लोगों की बिकॉज ऑफ नॉर्मल थिंग लाइक मलेरिया डी पी टी बी और पूरे वर्ल्ड में 2.3 करोड़ लोग की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ एड्स और उसमें भी 90 परसेंट जो लोग हैं वो कहाँ की जो डेथ ज़्यादा हो रही है वो बिलोंग करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में ही क्लियर है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हमारा सिनेरियो है नेशन का नाउ नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर ओके सो हमें हेल्थ प्रॉपर रखनी है तो उसके लिए हमें तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए इसके लिए क्लीननेस चाहिए हमें तो जो सेंसस रिपोर्ट हमारी आई थाउजेंड इलेवन की इंडिया में सिर्फ सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट फैमिलीज़ को हम प्योर वाटर प्रोवाइड कर सके बाकी जो एट पॉइंट सिक्सटी सेवन परसेंट फैमिलीज़ है उनको अनट्रीटेड जो टैप नल का पानी वो पीते पी रहे हैं ट्वेंटी सिक्स परसेंट पीपल को वाटर्स मिल रहा है वेल well से हैंडपम्प ट्यूब वेल वगैरह से मतलब आप यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर जो प्योर वाटर है एकदम ट्रीटेड वाला वो किसको कितने को सिर्फ सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट फैमिली को मिल रहा है और टैप वगैरह ट्वेंटी सिक्स परसेंट को सॉरी एट पॉइंट सेवन परसेंट को और बाकी जो बचे हैं ट्वेंटी सिक्स परसेंट उनको अपना हैंडप वेल well से वो अपना पॉन्ड कैनल के थ्रू उनको वाटर्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे कितने चांसेस है वाटर बॉर्न डिसीज होने के लोगों को क्लियर है ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक डेट इज प्रोविजन्स ऑफ टॉयलेट तो जो रिपोर्ट आई थाउजेंड इलेवन की वहाँ पे क्या दिखाया कि सेवेंटी परसेंट जो पूरे पॉपुलेशन है विलेज में रहते हैं उसके सेवेंटी परसेंट दो उनको मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है किसकी वाटर बॉर्न और कंटेन डिसीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये बीमारी तो ये बीमारी से बचाने के लिए एक तरीका है कि उनको क्लीननेस बहुत ज़रूरी है और स्पेशली टॉयलेट फैसिलिटी उनको मिलनी ही चाहिए तो हम यहाँ पे दे हमें यहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया कि है कि टॉयलेट फैसिलिटी कितनी किसकी है यहाँ पे? फैमिलीज़ कितनी पूरे हंड्रेड परसेंट टॉयलेट फ़ैसिलिटी विद इन हाउस जिसके हाँ, घर में टॉयलेट है वो है ओनली सिक्सटी सिक्स परसेंट बाकी थर्टी फोर परसेंट को के पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है तो ये फैसिलिटी उनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे यहाँ पे वो कॉमन टॉयलेट यूज़ करेंगे जिससे हमारे यहाँ पे क्लीननेस प्रॉपर नहीं होगा पॉल्यूशनस ज़्यादा होगे और कहीं ना कहीं फिजिकल वीकनेस और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ नो टॉयलेट फैसिलिटीज क्लियर है नेक्स्ट इंडिकेटर वो है हमारा हाउसिंग सो so, हमारा ये मेन इंडिकेटर है हाउसिंग जो कि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट में ये है इंक्लूड हमने क्या देखा फूड क्लोथिंग शेल्टर तो हमें शेल्टर हाउसिंग यहाँ पे चाहिए प्रॉपर तो हमारे नेशन की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत लोग को ये फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिली उनके पास हाउसिंग नहीं है घर नहीं है तो वो लोग क्या करते अपना हर्ट रेडी करेगा स्लम्स में रहते तो उससे क्या होता है कि ये हाउसिंग फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होने से वो लोग को यहाँ पर क्या मजबूर है बिकॉज ऑफ इनकम इनकम नहीं है तो घर नहीं घर नहीं है तो फिर यहाँ पे वो अपने यहाँ पे स्लम और जो हर्ट है ये अब नंबर इसका बढ़ते जाते हैं क्लियर है आपको और इंडिया में टोटल सिक्सटी परसेंट पीपल जो है वो dwell वो कहाँ पर रह रहे फिलहाल जो तो अपनी हेल्थ को बहुत रिस्क में रख के रह रहे हैं ठीक है मोस्ट ऑफ पीपल जो इंडिया के हैं वो लोग वन रूम में ही अपना यहाँ पे रह रहे और उसको हमने एज अ मेजरिंग रॉड डिसाइड किया है सेट किया है फॉर पोवर्टी का क्लियर है नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो ये भी एक मेजर पार्ट है हमारे डेवलपमेंट में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी यहाँ पे मिल रही लोगों को एज वी ऑल नो हमारा नेशन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है उन तक यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इंडिया बहुत एक मेन प्रोड्यूसर है इंडिया एक प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर दोनों है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है पर कैपिटन कम है तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो रहा है क्लियर है आपको Now नेक्स्ट टॉपिक एडुकेशन एडुकेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो पीपल जो भी एज ग्रुप पीपल फिफ्टीन year और उससे ऊपर है और जो रीड जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं लिख सकते है, उससे हम क्या बोलेंगे लिटरेट एंड द रेस्ट आर इलिटरेट एंड दे आर मोस्टली पुअर एक स्मॉल आपको एक लाइफ मन मा क्वेश्चन आ भी सकता है किसको हम बोलते हैं लिटरेट जिसको जो पढ़ लिख सकता है उससे हम बोलते हैं लिटरेट और इसकी एज कितनी होती है फिफ्टीन ईयर और अबो जो पीपल है और उनके जो पढ़ सकते और लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे लिटरेट और जो बाकी बच्चे वो हमारे किस में आएंगे इलिटरेट में हो जाएंगे और मोस्टली देखा गया है जो इलिटरेट है वो हमें कहाँ मिलते हैं मोस्टली पुअर पीपल में ही हमें ये इलिटरेट ज़्यादा होते हैं ठीक है तो ये इसका रीज़न क्या होगा अभी लैक ऑफ एजुकेशन एजुकेशन कम है ट्रेनिंग कम है तो इससे क्या होगा अगर लोगों के पास एजुकेशन नहीं है तो लेबरर्स बढ़ जाएंगे लेबर वर्क बढ़ जाएगा कंट्री में और हमें अपना कंट्री को क्या करना है एडवांस करना है तो उसे हमें हमें यहाँ पे क्या चाहिए लेबर वाले काम तो कम हो गए अब और हमें यहाँ पे क्या सर्विस में हमने अपना इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है हमने सर्विस सेक्टर बढ़ा दिया है अपना हमने यहाँ पे अपना एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज़ कर दिया है सब इंक्रीज़ किया है उसमें हमें कौन चाहिए हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एजुकेशन प्रॉपर नहीं है ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो हमारे देश में जो लेबर है उनकी जो यहाँ परसेंटेज है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है अभी आप देखो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है जो लेबर वर्क करता है उनकी वेजेस उनको पर डे जो वेज मिलता है वो कम मिलता है कम पैसा मतलब कम इनकम कम इनकम तो हमें क्या पॉवर्टी और बढ़ती जाएगी नेशन में इन थाउजेंड इलेवन ब्राज़ील हैड नाइन्टी वन परसेंट लिट्रेसी रेट वेरज इन इंडिया इट वॉज सेवेंटी फ़ोर पॉइंट फोर परसेंट इन नेपाल सिक्सटी परसेंट एंड फिफ्टी फाइव इन पाकिस्तान ये क्या शो कर रहा है कि डेवलपिंग नेशन में यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है और हमारा कंपेरिटिवली तो बहुत कम है देखो ब्राज़ील में नाइन्टी वन परसेंट लिटरेट पीपल है और इंडिया में कितना है सेवेंटी फोर पॉइंट ज़ीरो वन परसेंट यहाँ पर सिर्फ लिटरेट पीपल है लो एजुकेशन है तो उससे हमें उसको हमें चेंज करना है उसे हमें कन्वर्ट करना है लिटरेट में और जो लो मतलब जिसको जो एजुकेटेड नहीं होते जिसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो वो जल्दी कोई चेंज भी एडोप्ट नहीं करते तो ये भी एक रीज़न है हमारा यहाँ पे ये हमारा पॉवर्टी का एक इंडिकेटर है ओके नाउ नेक्स्ट अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में हमने बोला कि हमारे देश में जो पैसे है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है आफ्टर रिफॉर्मेशन ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन यहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम हमारे नेशन की इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन के बाद हमारा ग्रोथ पर कैपिटल दोनों इंक्रीज हो गया बट फिर भी हमारा जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे इनकम वो इनिक्वल डिस्ट्रीब्यूट है एक साइड जो लोग हैं रिच पीपल वो अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे उनको अच्छे फूड्स मिल रहे फैसिलिटीज़ पूरी मिल रही है और सेकेंड साइड जिसकी लो इनकम है वो स्लम में रह रहे हैं उनको बेसिक थिंग्स भी प्रॉपर नहीं मिल रही है तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है जो डिराइव हुए बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्लियर है आपको अब हम टेबल डिस्कस करेंगे जो शो करता है टॉप वन रिच पीपल्स कहाँ के यूएस यूके और इंडिया के 1998 में रिच पीपल्स वन परसेंट कितने थे यूएस में थे कितने फिफ्टीन पॉइंट टू थे और थाउजेंड में कितने हो गए 18.9 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है यूके में ट्वेल्व पॉइंट फाइव थे अब ट्वेल्व पॉइंट सेवन यहाँ पर थोड़े और बढ़ गए रिच पीपल इंडिया में थे कितने नाइन और अब कितने हो गए ट्वेल्व पॉइंट सिक्स तो यहाँ पर रिच पीपल तो बड़े हैं बट ध्यान रखना हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही हाई है यहाँ पे हमारे रिच पीपल इंक्रीज तो हुए हैं बट डिपेंड करता है हमारे पॉपुलेशन में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना और उनको यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था ठीक है ना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे नेशन में बेरोजगारी तो बहुत बढ़ती जा रही है एज वी ऑल नो अब ये अनएम्प्लॉयमेंट होता कैसा है हो है क्या वो देखेंगे जो पीपल किसको बोलते हैं हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कौन है अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन है जो पर्सन के पास कैपेसिटी है वो काम करना भी चाह रहा है कोई भी रेट में फिर भी उसे काम वाम नहीं मिल रहा उसे हम क्या बोलेंगे वो पर्सन हमारा अनएम्प्लॉयड है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक जिसके पास विलिंगनेस है जिसकी कैपेसिटी है वो रेडी भी है काम करने में वो कोई भी रेट पर काम नहीं मिल रहा उसे हम क्या बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना बढ़ गया हमारे नेशन में जब हमारा नेशन रिफ़ॉर्म हुआ कब नाइनटीन वन के बाद हमारे पास यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर्स ज़्यादा बढ़ गए थे और हमें रिफॉर्मेशन के बाद हमने ज़्यादा ध्यान कहाँ पे दिया हमारे सर्विस पे दिया इंडस्ट्रीज़ पे दिया तो हमें यहाँ पे लेबर्स के अलावा जो थोड़े यहाँ पर लिटरेट परसेंट चाहिए थे तो यहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा है इसके लिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गया ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट काम नहीं है तो इनकम नहीं इनकम नहीं है तो वो अपने नीड फुलफ़िल नहीं कर सकते और नीड फुलफ़िल नहीं किए तो वो किस में आ गए पॉवर्टी में आ गए तो इन इंडिया टू थाउजेंड इलेवन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था कितना वो नाइन परसेंट था और अकॉर्डिंग टू लेबर कमीशन इन ईयर थर्टीन फोटी द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल फिफ्टीन ईयर एंड अबो इज़ फोर पॉइंट नाइन परसेंट इन रूरल एरियाज रेट इज़ फ़ फोर पॉइंट सेवन परसेंट एंड इन अर्बन एरिया इट वॉज फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ये 13, 14, areas, area, 5. 5%. आपको रेट दिया गया है कितने अनएम्प्लॉयड है अगर आप रियल सीनारियो देखोगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ओके सो so, हम बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे